तो आज हम देखते हैं कि स्टेटा के रिजल्ट्स को वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे लिया जा सकता है और बगैर किसी जो है वो कॉपी पेस्ट के, क्योंकि रिप्रोड्यूसेबल रिसर्च में एक चीज जो आ रही है वो है कि फाइल्स को फाइल्स से बात करनी है। फाइल्स शुड टॉक टू फाइल्स, कॉपी एंड पेस्ट आर योर एनिमीज। तो लेट्स गो। एक मेरे पास पहले भी मैंने ग्रोथ का डेटा आपके साथ शेयर किया था, लेट्स शेयर द सेम डेटा। नो, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग रूटीन समरी, हम उससे पहले एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, SSC इंस्टॉल एस डीओ डॉक। आपने ये पैकेज इंस्टॉल करना है, नेटवर्क स्लो होने की वजह से इट मे टेक टाइम, तो इसलिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। अगर ये इंस्टॉल हो जाता है, आपको कोई अपडेट नहीं चाहिए, तो इट्स ओके। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि अब मैंने अपनी इन वेरिएबल्स की समरी लेनी है। ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इसकी मुझे समरी बनानी है। एक है कि इससे पहले मैं समरी SU या SUMMAR वाई लिख दूं, एक है मैं यहां पे SDOC SU पहली दो वर्ड्स लिखने से, ये SU किसके लिए, समरी के लिए। और यहां पे मैं फाइल को सेव कर देता हूं, सेव स्टेट अंडरस्कोर वर्ड। तो ये देखिए, अब आपके पास क्या है, ये वर्ड की जो फाइल ओपन होगी ये कॉपी पेस्ट नहीं होगी, बल्कि ये खुद से आपके पास, ये देखिए, ये वर्ड में रिजल्ट्स चले गए हैं, ये वर्ड्स में रिजल्ट्स खुद ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरह से अब देखिए यहां पे मैं इसी चीज को जो है वो लेता हूं SU। ओके, ये स्टेट वर्ड वन शायद पहले से एक फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो इसलिए मैं इसको एक न्यू फाइल, तो ये इसमें देखिए सिंगल ये वाला टेबल मौजूद है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। क्लोज नहीं करेंगे तो वो फिर एरर आएगा। अच्छा, अब अगला कोरिलेशन वाला टेबल, के इन वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन क्या है, तो एस डॉक, और यहां पे मैंने लिख दिया COR। COR उसको स्टेटा को पता चल जाएगा कि ये कोरिलेशन की बात कर रहा है। और यहां पे चूंकि उस डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स से नीचे वाले टेबल में मुझे ऐड करना है, तो इसलिए ऐसी चीज को हम कहते हैं अपेंड। अगर रिप्लेस कर देनी हो तो हम रिप्लेस कर देते। तो अब आप देखिए तो दो टेबल्स आपके पास बन गए, एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का, एक मैट्रिक्स ऑफ कोरिलेशन का। अब मैं एक तीसरा टेबल बनाने जा रहा हूं जो कि, और उसको भी इसी में ऐड करने जा रहा हूं, जो कि रिग्रेशन का टेबल है। तो यहां पे मैंने यही कमांड अपनी पूरी की पूरी रखी और यहां पे मैंने REG कह दिया कि ग्रोथ को ट्रेड शेयर पे, बेसिकली ट्रेड शेयर का ज्यादा इंपैक्ट पहले देखते हैं, तो इसलिए ट्रेड शेयर मेन वेरिएबल है, तो दूसरे को हम यहां पे लिख देते हैं, रेस्ट इज सेम। तो आप देखिए तो ये अगेन एक मेरे पास टेबल आ गया। तो आप देखेंगे कि ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आ गया, मैट्रिक्स कोरिलेशन आ गया, लीनियर आ गया। इस तरह से जितने भी टेबल होंगे आपने अपेंड 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 करते जाइए एंड यू विल गेट ऑल दीज रिजल्ट्स। एक जो जरा थोड़ा सा बच्चों वाला मेथड है जो कि मैं प्रेफर नहीं करता आप यूज करें, वो ये हो सकता है कि आप अपने इन वर्ड्स को, इस टेबल को कॉपी करें और इसको आप वर्ड में ले जाइए। लेट्स से इसको आप वर्ड में ले जाइए, तो वर्ड में कॉपी, अगर आप यहां पे कैलिबरी या कोई और फॉन्ट करेंगे तो उससे वो स्पेस उनकी वो मेंटेन नहीं रहती, फॉन्ट ये 9 का रख लें, तो यहां पे अगर आप पेस्ट करेंगे तो ये स्टेटा के रिजल्ट्स उसी तरह से पेस्ट हो जाते हैं। लेकिन आई डोंट प्रेफर दिस वन, क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने जो है वो रिजल्ट्स को, फाइल्स शुड टॉक टू फाइल्स। आई होप कि इससे आपको काफी फायदा मिलेगा, पर्टिकुलरली कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको